मुझे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया था कि आयशा आपके लिए इम्पॉसिबल है कार से व्हीलचेयर और व्हीलचेयर से कार में शिफ्ट करना, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा कि नहीं आयशा, यू नीड टू बी मोबाइल, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। डेंटिस्ट्री के सेकेंड ईयर में आई डेवलप्ड अ कंडीशन जिसकी वजह से आई स्टार्टेड लूजिंग माय आई साइट। 4 साल की डिग्री तो मुकम्मल कर ली पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। मुझे 2010 में कैंसर हुआ था बिकॉज ऑफ विच आई लॉस्ट माई लेग। इस ज़िंदगी को शुरू में अडाप्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने इसे बहुत इन्जॉय किया है। मुझे शुरू से पता था कि मैं कुछ अलग हूँ। जब मैं 5 साल की थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबके बाजू हैं और मेरे नहीं हैं। मैंने इन सब मसले मसाइल के बावजूद भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। सब की तरह मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, अगर अपने आप पे ही डिपेंड नहीं करूँगी तो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँगी। आई हैड टू चेंज माई एंटायर लाइफ स्टाइल और मुझे डे टू डे टास्क को डिफरेंट तरह करना सीखना पड़ा। इस रास्ते पे चलते हुए मेरे लिए बहुत से दरवाजे खुले और मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मेरा सबसे बड़ा सपोर्टिव सिस्टम मेरी फैमिली तो है ही, लेकिन फिर मैंने खुद पे इनसार करना सीखा और अपनी नई सलाहियतों को पहचाना। मेरे लिए डिसेबिलिटी एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है और एक ब्लेसिंग है। मुझे पता है मैं जितनी भी कोशिश करूँ मैं परफेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करती। एंड नो वन इज़ परफेक्ट एनीवे। मुश्किलात काफ़ी आई हैं और अब तक आती हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ नॉर्मली तो लोग मुझे मुड़ के देखते हैं और कई लोग आके मुझसे पूछते हैं कि बेटा आपके हाथों को क्या हुआ। मेरा मानना है कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हमें अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वी शुड नेवर गिव अप। आई बिलीव डिसेबिलिटी शुड बी सेलिब्रेटेड। We all should take this as an opportunity to prove that we are truly differently abled. Mat dekh kadam kadam pe toot ke bikharna, tu meri hasti ka sabse kamal dekh।